रेखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं पिज्जा मैकपफ। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। फटाफट हम इसको घर में तैयार कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी, किसी भी ओकेजन पे एक डिफरेंट रेसिपी हम तैयार कर सकते हैं। आइए मैकपफ बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैकपफ के लिए हमने यहाँ पे देखिए सब्जियाँ कट करके रख ली हैं। एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ पे कट करके रखा है, एक हरी शिमला मिर्च मैंने कट करके रखी हुई है। हमें सभी चीज बहुत बारीक बारीक कट करनी है। हमने यहाँ पे 50 ग्राम पनीर कट करके रखा हुआ है। थोड़े से हमने कॉर्न लिए हैं जो बॉईल करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा हमने 4-5 कली लहसुन की ली है जो बारीक काट ली है। एक चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ली है। मटर हमने प्रिजर्व करके रखी थी, वो मटर हमने यहाँ पे यूज में ली है। और एक कटोरी हमने यहाँ पे चीज लिया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। गरम होने का वेट करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। सबसे पहले हम लहसुन डाल देंगे। प्याज डाल देंगे। देखिए लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, मटर भी डाल देंगे और इनको 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। चिली फ्लेक्स डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसमें आप लाल मिर्ची या काली मिर्ची जो आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लाल मिर्ची यूज में ले रही हूँ। आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं और डाल सकते हैं। पनीर के पीसेस भी डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, लुकिंग में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दो चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। आधा कप पानी डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें तंदूरी मेयोनीज भी डाल सकते हैं या पिज्जा टॉपिंग भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तंदूरी मेयोनीज डाल दी है। आप चाहें तो पिज्जा टॉपिंग भी यूज में ले सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाढ़ा भी होने लग गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पिज्जा मसाला भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदा तैयार कर लेते हैं। देखिए मैदा को 10 मिनट हो गए हैं, सॉफ्ट भी है काफी, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मथ लेंगे और फिर इसके लोई बना लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मैंने मैदा को मथ लिया है। इसके मैं पीसेस कर लूंगी। आइए फ्रेंड्स, अपन एक एक करके बेलना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैकपफ के लिए हमने जो मसाला तैयार किया है ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मोज़रेला चीज डाल देंगे। मैंने यहाँ बारीक कद्दूकस करके रखी हुई है। हम
हमने यहाँ पे इसमें एक कप मोजरेला चीज मिक्स कर दी है। देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। आइए अब अपन मैकपफ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैदा को बेल लिया है, अब हम इसको चौकोर कट कर लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग कर देंगे मसाले की। फ्रेंड्स, मैकपफ का मसाला बिल्कुल रेडी है, ये हमने स्टफिंग के लिए तैयार बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए मैंने इसमें स्टफिंग कर दी है इसकी। अब हम इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे, इसमें हम पानी लगा करके चारों तरफ, ताकि खुले नहीं। इसी तरह से हम सारे मैकपफ तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा साइड्स हमने कट कर दी हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पीस बना के तैयार कर लिए हैं। आइए अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज में लेते हैं वो यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक पीस डालेंगे और इनको डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमें इसको सेकना है, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट सिकने लग गया है। हमें इसकी बार बार साइड चेंज करते रहना है, नहीं तो दाग लग जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैकपफ बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे पीस फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दूसरा पीस इसमें डाल दिया है। साइड चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे पीसेस जो हमने तैयार किए हैं मैकपफ के, उनको डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैकपफ बनके बिल्कुल रेडी हैं। हमने सर्व भी कर दिए हैं। अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।